यह है एमपी न्यूज लाइव और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक लैब टेक्नीशियन ने गर्भवती महिला का कर दिया ऑपरेशन और नवजात बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। जी, रायबरेली से इस वक्त की खास खबर। बिना रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम चला रहे लैब टेक्नीशियन ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान नवजात बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित उपमा सर्जुरानी पॉली क्लिनिक का मामला। जी, उपमा सर्जुरानी पॉली क्लिनिक का मामला। जैक लैब टेक्नीशियन ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया और इस लापरवाही से नवजात बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। क्या नाम है भैया? भैया आनंद मोहन श्रीवास्तव नाम है, हरचंदपुर निवासी। क्या हुआ है आज यहाँ? हमारी वाइफ को डिलीवरी होनी थी, यहीं का इलाज चल रहा था, फिर डिलीवरी के लिए बुलाए, हम लोग ले करके आए, सुबह ले करके आए थे घर पे सब लोग, हम तो बाहर ड्यूटी पे थे। फिर हमको फोन आया, हम ड्यूटी से वापस आए, शाम को 7 बजे गए हमें आने। फिर कहते थे भैया अब ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं होगा ऑपरेशन, हम कहते भैया आप फोन कर लो, तो कहेंगे चलो ठीक अब होगा। फिर 2 घंटे बाद चलने पास सर्जन नहीं अभी है, फिर 2 घंटे बाद फिर पता नहीं कहाँ से रात में 10 बजे ये जो नीला श्रीवास्तव यहाँ के संचालक हैं और इनके साथ 2 लोग और मिल कर के ऑपरेशन कर दिए, जैसे मेरा बच्चा खत्म। इनके पास कोई भी डिग्री नहीं ना कोई सर्जन था। क्या नाम है अस्पताल का? उपमा सुजरानी पाली क्लिनिक। क्या कहीं आपने इसकी शिकायत की? हाँ, इसकी शिकायत हमने वहाँ पे डायल वो 112 पकड़ दिया है और FIR कर दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दिया है। आपकी पत्नी भर्ती कब हुई थी? कल। ऑपरेशन किसने किया? ऑपरेशन यही डॉक्टर जो नीरज श्रीवास्तव कर रहा है, ये और 2 कंपाउंडर मिले कर दिया। नीरज श्रीवास्तव डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं है, ये लैब टेक्नीशियन है। लेकिन डॉक्टर बनके? जी जी।